नमस्कार, मैं विवेक भट्ट। संदेश न्यूज की खास पेशकश टू द पॉइंट में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ है खास मेहमान गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल। आज बात करेंगे वाइब्रेंट गुजरात और प्रवासी भारतीय दिवस की खास तैयारी पे। मैंने आपका स्वागत है। धन्यवाद। गुजरात में दो महत्वपूर्ण इवेंट होने जा रहे हैं, एक प्रवासी भारतीय दिवस जो पहली बार गुजरात में मनाया जा रहा है और दूसरा वाइब्रेंट गुजरात। कैसी तैयारियां हैं और कैसा रेस्पॉन्स आने की उम्मीद है? पहले तो मैं सब दर्शक मित्रों को नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा सौभाग्य है कि भारतीय प्रवासी दिन गुजरात में हम मना रहे हैं, क्योंकि हमारे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए और 9 जनवरी 2015 को पूरा 100 साल होता है। इसीलिए नरेंद्र भाई ने 4 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखकर भेजा था कि 2015 की साल भारतीय प्रवासी दिन ये गुजरात में मना रहे, वो इजाज़त देना। तो ये इस साल हम मना रहे हैं। पूरे देश भर से शायद 3000 से ज़्यादा डेलीगेट्स आ रहे हैं। 3 दिन का ये कार्यक्रम है, 7 जनवरी से शुरू होता है और 9 जनवरी को पूरा होता है। 8 जनवरी को सुबह में उद्घाटन करेंगे भारत के बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी, और उसी दिन 8 तारीख को वो दाढ़ी कुटीर का भी उद्घाटन होगा, जहां गांधी जी के जन्म से लेकर भारत में वापस आए और वापस आने के बाद जो स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया, ये पूरी घटनाएं इसमें निर्मित की है। तो उसका एक बड़ा माहौल है हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम हमारी जो स्वतंत्रता की पूरी जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में आज हमारे बच्चे जानते नहीं है। ये जानकारी सबको देना चाहिए, इसलिए एक परमानेंट प्रोजेक्ट वहाँ रखा है दांडी कुटीर के नाम से, वो भी उसी दिन उद्घाटन होगा। 2 दिन तक 8 और 9 जनवरी को अलग अलग कार्य शिविर वगैरह होगा, और इसमें दो जो वो रखा है, एक भारत को जानो और एक है भारत को मानो। जो विदेश में रहते हैं और शायद कभी वापस नहीं आए हैं, पहली बार कई लोग आ रहे हैं, इसीलिए भारत के बारे में जानने की आवश्यकता है और भारत को मानने की भी आवश्यकता है, क्योंकि आज भारत पूरे विश्व को लीड कर रहा है। और इसके अलावा 3-4 यूनिवर्सिटियों में यूथ के साथ जो NRI है उसका एक इंट्रैक्शन सेशन भी है और वहाँ डिनर वगैरह होगा। 7 तारीख को शाम को हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आने वाली है और एक एग्जीबिशन का उद्घाटन होगा। 8 तारीख और 9 तारीख को 2 दिन एक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का कार्यक्रम है, काकरिया के तट पर वो होगा और दूसरा रिवर फ्रंट के तट पर होगा। तो ये पूरा कार्यक्रम 3 दिन गुजरात में चलने वाला है और काफ़ी लोग इसमें सहयोगी बने हैं, और मैं मानती हूँ कि ये 3 दिन गुजरात के लिए एक आनंद और गौरव का विषय होगा। इसके बाद शुरू होगा वाइब्रेंट, उसकी क्या तैयारियां हैं? क्योंकि अब की बार के वाइब्रेंट में बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टनरशिप लेने के लिए होड़ मची थी, ये जादू आपने कैसे कर लिया और क्या उम्मीद है आपको कि क्या इन्वेस्टमेंट होगा और कैसा रेस्पॉन्स मिलेगा? ये जो 2003 से शुरू हुआ था वाइब्रेंट गुजरात का कार्यक्रम, और नरेंद्र भाई ये पायोनियर थे, उसका एक सपना था कि देश में इंडस्ट्री जानी चाहिए और इंडस्ट्री जाएगी तो रोजगार आएगा, रोजगार आए तो संपत्ति आएगी, समृद्धि आएगी और काफ़ी लाभ गुजरात की प्रजा को होगा। इसीलिए 2003 में हम उसको शोकेश करते थे, लेकिन 2005, 2007, 2009, 2012, 2011 हम करते रहे, इसमें कई लोग सम्मिलित हुए। 2003 में विदेश में मैं भी गई थी और हमारे कई मंत्रियों का दौरा हुआ था, उसी समय वो बता रहे थे कि गुजरात में लाइट है, गुजरात में रोड है, गुजरात में वो है, वो शोकेस करते रहते थे, गुजरात में आइए पार्टनर कंट्री बनिए, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन लगातार ये काम करते रहे
तो धीरे धीरे करके पार्टनर कंट्री के रूप में भी एक आया, दो आया। तो इस साल 2015 में वो स्थिति आ गई कि इसमें 8 पार्टनर कंट्री बने हैं और इसमें यूएसए है भी। उसी समय 100 कंट्री के लोग आते थे, 50 के आते थे, 10 कंट्री के लोग आए, धीरे 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 बढ़ते गए और आज 120 कंट्री के डेलीगेट्स आ रहे हैं और इसमें ज़्यादातर मंत्रिमंडल है, प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति जी है और कई मंत्रियों का एक पूरा डेलीगेशन वहाँ रहा है। आज स्थिति ऐसी है कि हम मना कर रहे हैं कि अब हम किसी को नहीं बुलाएंगे क्योंकि अभी रहने की जगह नहीं है गुजरात में। यूएन के सेक्रेटरी आ रहे हैं और वर्ल्ड बैंक के भी सेक्रेटरी आ रहे हैं, ये पहली बार गुजरात में शायद आएंगे। नरेंद्र भाई उसका उद्घाटन करने वाले हैं 11 तारीख को सुबह में और 2 दिन 12 और 13 तारीख को ये अलग अलग कंट्री सेमिनार, स्टेट सेमिनार वगैरह होंगे और 13 तारीख को बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग होगी। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आवश्यक ये महत्व का नहीं है हमारे लिए, लेकिन हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं पूरे विश्व को कि आप आइए गुजरात में। पूरे भारत के अलग अलग स्टेट्स के लोग आ रहे हैं, इसमें हमारे सीएम भी आ रहे हैं और विदेश में से जो लोग आए हैं वो इकट्ठे होकर बैठेंगे, साथ में चर्चा करेंगे, अपना अपना प्रेजेंटेशन होगा और इसकी वजह से जिसको जहाँ जाना है इंडस्ट्री लेकर वहाँ जाएंगे। डिफेंस के सेक्टर में पहली बार गुजरात में इसे प्राथमिकता दी गई है, डिफेंस का एक बड़ा जो इंडस्ट्री है वो गुजरात आने वाला है, कितनी उम्मीद है आपको, क्या डिफेंस के सेक्टर में गुजरात नई क्रांति लाएगा? सभी क्षेत्र में आ रहे हैं, एक क्षेत्र बाकी नहीं है कि जिसमें कोई इंडस्ट्रीज वाले नहीं आ रहे हैं। डिफेंस वाले भी आएंगे, स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है नरेंद्र भाई का, इसमें भी भाग ले रहे हैं। इतना ही नहीं, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी आ रहे हैं और जो हमारे सिटी है वो सिटी में जो वेस्ट निकलता है, ई वेस्ट भी है, लिक्विड वेस्ट भी है, इसमें क्या करना चाहिए उसके लिए भी वो हमें टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। तो ऐसे सिर्फ इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन आगे जाकर हमारे जो सिटी है वो सिटी को हम कैसे रीयूज, जो वेस्ट है इसका कैसे रीयूज कर सके, वो टेक्नोलॉजी की भी गुजरात में आवश्यकता है क्योंकि जो वेस्ट निकलता है वो कहाँ जाए, फेंक देते हैं, कचरा होता है और इसमें से बीमारी वगैरह आती है, तो इसमें से बचने के लिए आवश्यकता है, वो काम हम करने जा रहे हैं। दूसरा ये है कि जो हम पानी सबको देते हैं लेकिन पानी जितना देते हैं इतना घर तक पहुंचता नहीं है, बीच में कई जगह वेस्ट हो जाता है, कोई पाइपलाइन टूटती है, इसमें लीकेज होता है तो पता नहीं चलता है कि कहाँ लीकेज हो रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी विदेश में है वो टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ये पहचान सकते हैं कि पाइपलाइन में कहाँ लीकेज है, तो जहाँ वो बताते हैं वहाँ ही लीकेज होता है, तो वहाँ ही खुद काम होता है, वहाँ रिपेयरिंग हो जाता है। ज़्यादातर अभी क्या होता है कि लीकेज कहीं और होता है, हम खुद काम अलग जगह पर करते हैं, तो इसमें से ज़्यादा पानी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है, काफ़ी खर्च हो जाता है, काफ़ी समय लगता है। तो ऐसी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी का भी हम यूज़ करने जा रहे हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से एमओयू साइन होंगे। गुजरात को कितना फायदा होगा मैम, इतना बड़ा वाइब्रेंट हो रहा है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज आएंगे और खास तौर पर 500 फॉर्च्यून कंपनीज के सीईओज भी आ रहे हैं, तो गुजरात को मद्देनजर रखते हुए गुजरात को कितना फायदा होगा? गुजरात को फायदा होगा ही होगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी, रोजगार हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, दूसरा जो हमारे यहाँ गंदगी वगैरह है वो दूर हो जाएगी, वो ही टेक्नोलॉजी आएगी तो वो भी फायदा है, और इसमें से गैस मिलेगा, इसमें से इलेक्ट्रिक मिलेगी, वो भी एक बड़ा फायदा है इसमें, और कई कई ऐसी टेक्नोलॉजी है इसकी जानकारी हमारे जो अधिकारी वगैरह है उसको भी मिलेगी, तो उसकी उसका यूज़ पर हम अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थान पर कर सकेंगे। दूसरा जो हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो हेल्थ सेक्टर में भी लेटेस्ट साधन की आवश्यकता है, वो भी हमें मिलेगा, वो भी फायदा होगा इसमें, तो कई तरीके से फायदा होगा। एजुकेशन में फायदा होगा क्योंकि नई यूनिवर्सिटी आएगी तो इसका भी फायदा होगा, और हम लोगों ने जो गिफ्ट सिटी बनाई है और वहाँ धोलेरा सिटी बनाई है, जो नरेंद्र भाई का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था,
इसमें भी काफी फायदा होगा क्योंकि एक नया सिटी तैयार होगा। तो सिटी पर जो अलग अलग गांव से कई लोग रोजगार के लिए आ रहे हैं, तो वो अलग सिटी बनेगा तो वहां जाएंगे, तो जो भारण बढ़ रहा है सिटी में वो कम हो जाएगा। सबसे फायदा वो ही है हमें। एक बहुत बड़ा फायदा ऐसे भी सेक्टर को होगा जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्रीज है। ये बात सही है कि सबसे ज्यादा रोजगार तो ये लघु उद्योग मध्यम उद्योग देते हैं, तो वो उसको भी बड़ा फायदा होगा क्योंकि एक बड़ी बड़ी कंपनी आती है तो उसको छोटे छोटे जो हमारे उद्योग है उसको उसका फायदा मिलता है, तो उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। वो आएंगे तो हमारे रोजगार युवाओं को मिलेगा, वही बड़ा फायदा है। महिलाओं को रोजगार मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, वो फायदा है। मैम, आतंकवाद का एक बड़ा खतरा है और ऐसे में बड़े विदेशी डेलीगेट्स आ रहे हैं, यूएन के सेक्रेटरी बान की मून आ रहे हैं, यूएस के सेक्रेटरी आ रहे हैं, तो कैसी सुरक्षा की व्यवस्थाएं गुजरात में की गई हैं? वो बाहर कहने की बात नहीं है क्योंकि सुरक्षा है, और जो करना चाहिए वो राज्य सरकार ने किया है, केंद्र सरकार भी सहयोग कर रही है और अलग अलग तरीके से वो काम हो रहा है। मैं मानती हूँ कि कोई सुरक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गुजरात में, और सुरक्षा की दृष्टि से राज्य ने काफ़ी प्रयास किए हैं और इसमें कोई डर रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप दिल्ली जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, बाकी कैबिनेट मिनिस्टर से भी मिले, वन टू वन आपने मीटिंग्स की, कितना सहयोग आपको मिला और क्या सहयोग मिलने की उम्मीद है? मैं मानती हूँ कि जितने पेंडिंग प्रश्न थे, नरेंद्र भाई ने काफ़ी प्रयास किया था यूपीए सरकार जब थी केंद्र में तब, लेकिन कोई मंजूरी नहीं मिलती थी, जैसे कि हमारे नर्मदा डैम के गेट रखने की। तो नरेंद्र भाई बड़ा प्रधान बने और तुरंत ही गुजरात के जितने भी पेंडिंग प्रश्न वहाँ थे इसमें से 80% वो काम हमारा हो गया है। मैं जब पिछले बार गई तो जो हमारी पानी की जो योजना है, ये पानी की योजना में हम पाइपलाइन डालते हैं तो बीच में रेल आती है, रेलवे आती है, तो रेलवे के बीच नीचे से पाइप निकालनी पड़ती है, तो ऐसे कई प्रश्न हमारे सामने थे, वो मैं हमारे केंद्रीय मंत्री को दिया। और दूसरा जो कैनाल का काम चल रहा है, तो कैनाल भी वहाँ जहाँ जहाँ जाती है इसमें बीच में रेलवे आती है, तो वहाँ भी 42 जगह पर वो इजाज़त लेने की आवश्यकता थी, तो वो मैं देकर आई हूँ, तो वो काम हो जाएगा और एक ही महीने में मुझे बोला है कि वो पूरी मंजूरी आपको दे देंगे। तो ऐसे कई काम हो गए हैं हमारे, जो पर्यावरण के दृष्टि से जो हमारे 75 से भी ज़्यादा पेंडिंग वहाँ थे वो सब इजाज़त मिल गई है। एनआरआई का अब की बार जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो पिछले कई सालों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हुआ है। ऐसे में जो एनआरआई हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या गुजरात की इकोनॉमी में भागीदार होना चाहते हैं, उनके लिए क्या और कैसी सुविधाएं गुजरात सरकार देगी जिससे उनका मनोबल बढ़े? कोई अलग से किसी के लिए नहीं किया है, एनआरआई हो, एनआरजी हो, या विदेश में से कोई भी कंपनी आ जाए, इसके लिए हम लोगों ने जो स्कीमें बनाई हैं, जो नीतियां तय की है, वो नीतियों के अनुसार वो भी काम कर सकते हैं इधर। मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मुख्यमंत्री पद का भार संभाला, 7 महीने में एक के बाद एक आपके सामने चुनौती आ रही है, एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी आ रही है, तो किस तरीके से आपको हिम्मत मिलती है सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए? पूरा गुजरात मेरे साथ है, 6 करोड़ की प्रजा का आशीर्वाद है, मंत्रिमंडल अच्छा काम कर रहा है, हमारे अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, नरेंद्र भाई का मार्गदर्शन मिला है और एक जो लाइन डोरी जिसको हम बोलते हैं वो पिछले सालों से चलती रही है, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत आती है तो भी उसको कैसे सुलझाना है वो हम कर देते हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में अमेरिका के साथ में भारत के अच्छे रिश्ते बने हैं और यही वजह है कि जो पार्टनर कंट्री के रूप में अमेरिका गुजरात भी आ रहा है वाइब्रेंट गुजरात में। अमेरिका से खास तौर पर कौन से क्षेत्र में आपको उम्मीद है कि अमेरिका का सहयोग अगर हमें मिले तो हम आगे बढ़ सकते हैं? ऐसा नहीं है कि किसी का सहयोग मिले हम आगे बढ़ सके, किसी को आगे बढ़ना है तो अपने पैरों पर आगे बढ़ना है, तो राज्य सरकार वो इतनी सक्षम है और पूरा देश इतना सक्षम है, नरेंद्र भाई प्राइम मिनिस्टर है, उसका भी एक दृष्टि एक विजन है,
तो पूरे एक अकेले गुजरात को नहीं लेकिन पूरे भारत को आगे बढ़ाना है। तो गुजरात में अच्छा काम होगा तो हम बोलते हैं ना कि गुजरात ग्रोथ इंजन है, गुजरात का विकास है तो इसमें भारत का भी विकास है। तो नरेंद्र भाई जो प्रयास कर रहे हैं वो पूरे देश के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो 125 करोड़ की जनता है उसकी बड़ी अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी पर, और आप देखते हैं एक एक करके हम स्टेट भी जीत रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जनता को भी लगता है कि यदि बीजेपी का शासन आएगा तो रास्ता होगा, हेल्थ आएगी और वो एजुकेशन होगा बच्चों के लिए, रोजगारी आएगी, इंडस्ट्रीज आएगी, वो एक जो धारणा बनी है नरेंद्र भाई के लिए, तो वो धारणा कंप्लीट करने के लिए हमारा भी दायित्व बनता है और सभी चीफ मिनिस्टरों का दायित्व बनता है कि उसका हाथ मजबूत करें। मैम कृषि के क्षेत्र में भी एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, वाइब्रेंट में बहुत सारी कंपनीज आएंगी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी या अपनी थॉट्स को एक्सचेंज करेंगी, तो गुजरात के किसानों को कितना फायदा होगा? गुजरात के किसानों को फायदा वो होगा जो टेक्नोलॉजी मिलेगी, टेक्नोलॉजी मिलेगी और जो नए नए जो रिसर्च वगैरह हुए हैं वो रिसर्च का लाभ उसको मिलेगा। जो सीड्स वगैरह हैं वो सीड्स में जो संशोधन होगा नए नए तो ही उसको लाभ होने वाला है। बाकी आज हम लोग जो यूरिया का यूज़ कर रहे हैं वो 3 साल के 4 साल के बाद जो हमारी जमीन है, लैंड है, वो बिगड़ जाएगी। इसीलिए प्रयास ये करना चाहिए कि किसान ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के ओर बढ़े, और इसीलिए प्रयास ये है कि अलग अलग तरीके से कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन हो उसी ओर जाना पड़ेगा, और वो ही हम दिखाना चाहते हैं सभी किसानों को कि आप इस ओर जाइए। धन्यवाद मैम, आपने इतनी सारी बातें हमसे कही और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि वाइब्रेंट गुजरात और प्रवासी भारतीय दिवस बहुत अच्छे से हो, गौरवशाली रूप में इसकी पूरी तरीके से स्थापना हो और एक दुनिया के सामने एक बड़ा उदाहरण ये पेश करें। ये एक गुजरात होस्ट बना है, तो गुजरात की 6 करोड़ की प्रजा और सभी मीडिया सबका दायित्व बनता है कि गुजरात जब होस्ट बना है हम ऐसे तरीके से काम करें कि जिसकी वजह से जो बाहर से आए हैं वो एक अच्छा विचार लेकर जाए और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है वो लेकर जाए, और हम जो सोचते हैं कि सौनो साथ सौनो विकास, ये जो पूरे देश के सभी लोगों ने स्वीकार किया है वो एक विजन इधर से लेकर जाए और पूरा विश्व एक बने और नेक बने और पूरी सृष्टि के लिए काम करें। ऐसे एक आज जो नई साल की शुरुआत होती है तब मैं अपेक्षा सबके पास वही रखती हूँ कि हम साथ में रहकर सबका विकास करें। धन्यवाद। बच्चे जो हैं आपसे काफी लगाव रखते हैं, नए साल की शुरुआत है, यूथ के लिए, बच्चों के लिए कुछ एक संदेश दे दीजिए जो हम हमारे माध्यम से दिखा सकें। यूथ के लिए और बच्चों के लिए राज्य सरकार काफी कुछ कर रही है, उसका लाभ उठाइए, उसका लाभ उठाइए। जो ऐसा अवसर कभी नहीं मिलता है, ऐसा अवसर जब मिला है तो ये अवसर का लाभ उठाकर हमें अपनी जात को तैयार करें, अपने आप तैयार हो जाए, अपने आप सीखे, वही मुझे कहना है। धन्यवाद सबको। नमस्कार, जी न्यूज पर आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। जी हाँ, बेहद खास इसलिए क्योंकि हिंदी न्यूज टेलीविजन पर आज वो पहली बार पूरा एक बड़ा इंटरव्यू देने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त गुजरात की मुख्यमंत्री हैं आनंदीबेन। स्वागत है आनंदी जी आपका जी न्यूज पर, और सबसे पहले जी न्यूज के तमाम दर्शकों की तरफ से मैं आपको, पूरे गुजरात को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दर्शक मित्रों को मैं नमस्कार करती हूँ, और आज नए साल की शुरुआत हुई है, सभी को मैं शुभेच्छा देती हूँ। आनंद जी, मैं आ रहा था तो मैंने देखा रास्ते में जगह जगह बोर्ड्स लगे हुए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे प्रवासी भारतीय दिवस, वाइब्रेंट गुजरात। क्या नरेंद्र मोदी के पीएम बनने और आनंदीबेन के सीएम बनने के बाद वाइब्रेंट गुजरात और वाइब्रेंट हो गया? नहीं, गुजरात तो 2003 से लेकर आज तक वाइब्रेंट ही रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि 2015 की साल ऐसी साल है कि जहां वाइब्रेंट का उद्घाटन करने के लिए देश के बड़ा प्रधान आ रहे हैं,
नरेंद्र भाई जब इधर सीएम थे तो 2003 से शुरू किया था, 2013 तक वो देश के प्रधानमंत्री को इनविटेशन देते थे लेकिन आते नहीं थे। मेरे लिए सौभाग्य की बात वो है कि मैं सीएम बनी हूँ और उद्घाटन करने के लिए देश के बड़ा प्रधान आ रहे हैं, इसके ज़्यादा खुशी कहाँ होगी। वही हमारे लिए वाइब्रेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, और वाइब्रेंट हो गया, आपकी ताकत दोगुनी हो गई। हाँ, यहाँ तो है ही और केंद्र में भी अब आप ही की ताकत हो गई। बराबर है। तो नरेंद्र मोदी का पहले एक इस इवेंट का ऑर्गेनाइजर होना और अब इस इवेंट में चीफ गेस्ट होना, और आपका पहले इस इवेंट के पीछे कार्यकर्ता होना और आज एक इस इवेंट का ऑर्गेनाइजर होना, ये कितना फर्क डालता है? ज्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए फर्क नहीं है क्योंकि 2003 से वो जब ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम काम करते थे तभी काफ़ी जिम्मेवारियां नरेंद्र भाई मंत्रियों को सौंपते थे, तो वो करते 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 हम सीख गए हैं और एक पूरा जिसको हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट बन गया है। आवास की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, प्रोटोकॉल के अनुसार क्या करना चाहिए, सेमिनार और सेमिनार में कौन आएगा, ये सभी जो हम पिछले सालों से कर रहे हैं वो आज भी हम करते रहे इसमें। 7 महीने हो गए आपको। लेकिन इसमें सौभाग्य की बात ये है कि जो पहले 2-3 पार्टी कंट्री आते पार्टनर के रूप में कंट्री आते थे, इस साल 8 कंट्री पार्टनर बनने के लिए आए हैं और अभी भी मांग कर रहे हैं लेकिन हम मना कर रहे हैं। वो वाइब्रेंसी ये देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। 7 महीने हो गए आपको सीएम बने हुए। बराबर। आप पहले मंत्री थी फिर आप मुख्यमंत्री बन गई, एक तो इन दोनों में फर्क कितना महसूस किया आपने? फर्क तो ज्यादा है। जब मैं मंत्री थी तब 2-3 डिपार्टमेंट में संभालती थी, उसको देखना पड़ता था, प्रवास करते थे हम, सभी लोगों के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठते थे, नई योजनाएं बनाते थे, वो एक डिपार्टमेंट के हेतु से हम करते रहते थे। आज पूरा जो सब विभाग यार पूरा सरकार का कामकाज देखना पड़ता है, संगठन के साथ भी जुड़ना पड़ता है, अलग अलग कार्यक्रम में जाना पड़ता है, नई नई योजनाएं बनानी पड़ती है, इम्प्लीमेंटेशन करवाना पड़ता है और हमें जो सिद्धि मिले तब तक पहुंचना पड़ता है। और सभी जो गुजरात के सभी क्षेत्र में सभी गांव में जाना ये हमारे लिए अच्छा होता है क्योंकि वहां जाते हैं तो ग्रासरूट लेवल में क्या प्रश्न है उसकी जानकारी हमें मिलती है और बाद में आकर उसका सॉल्यूशन लाते हैं। वो एक मंत्री के रूप में इतना प्रेशर नहीं रहता था लेकिन आज सीएम बनने के बाद वो सभी देखना पड़ता है और समय पे ये काम करना पड़ता है। पर शुरू में आप शायद पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती थी, फिर आप पॉलिटिक्स में आ भी गई, अब आप सीएम भी हैं और वो सारी चीजें देख भी रही। ये बात सही है क्योंकि मैं टीचर थी, बच्चे छोटे थे और राजनीति क्या है वो मैं पहचानती भी नहीं थी। ज़्यादातर पेपर भी उसी समय सिर्फ 1-2 न्यूज़पेपर आते थे, इतने न्यूज़पेपर भी नहीं थे और इतना मीडिया भी नहीं था। मैं एक काम करती रहती थी, बच्चों को बताती थी, वो ये सबसे अच्छा दायित्व था एक टीचर के रूप में काम करना, बच्चों के साथ साल भर बिताना, सालों बिताना। लेकिन बाद में पता चला कि इसमें जाना चाहिए, ऐसी 2-3 घटनाएं बनी कि जिसकी वजह से मैं राजनीति में आई और बाद में मंत्री बनी, बाद में सीएम भी बनी। आज नए नए जो दायित्व तो मिलते हैं उसको हम निभाते हैं, इतना ही नहीं ग्रासरूट लेवल तक पहुंचते हैं और अच्छा काम हो इसका प्रयास करते हैं। एक कहानी मैंने सुनी, 2 हिंदू बच्चे और 1 मुस्लिम बच्ची पानी में डूब रहे थे, आपको तैरना नहीं आता था, आप कूद गई, उनको निकाल के लाई, उसके बाद आपको बहादुरी पुरस्कार मिला और उसके बाद आपकी चमक इतनी बढ़ी कि लोगों को लगा कि आपको तो नेता होना चाहिए उनका। क्या ये सच है? ये सच है। नर्मदा डैम में प्रवास लेकर गए थे स्कूल की बच्चियों को, एक मुस्लिम बेटी थी और एक सिंधी की बेटी थी, दोनों बेटियां इसमें पड़ी नर्मदा नदी में, तो उसको बचाने का काम किया, साहस का काम था, हिम्मत का भी काम था। लेकिन जब वो उसको
ईश्वर ने बचाया है। मैं तो एक निमित्त बनी थी उसी समय, और बाद में ये 2-3 अवार्ड्स वगैरह मिले, वो ध्यान पर आया भारतीय जनता पार्टी को। और नरेंद्र भाई को ऐसे कोई ना कोई कार्यकर्ता मिलता है तो ये तुरंत पकड़ लेते हैं और उसको तैयार करते हैं, शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और बाद में नए नए दायित्व देकर आगे बढ़ाते हैं। और फिर पॉलिटिक्स के समंदर में वैसे ही जंप लगवा दी। ये बात सही है, और ऐसा जंप लगाया है इसमें से बाहर निकलना ही नहीं पड़ता है, और निकलना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन एक चीज, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का जाना और आपका आना, बहुत सारे और भी पार्टी के लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि अब नरेंद्र मोदी के लिए आगे का रास्ता हो गया है, हमारी जगह बनेगी, उसमें से आपको चुना जाना, वो जिम्मेदारी आपको दिया जाना, उसमें दो बातें हैं। एक, कुछ लोगों ने शायद विरोध भी किया हो, और दो, नरेंद्र मोदी ने बार इतना ऊंचा खड़ा कर दिया था, क्या आपको मुश्किल नहीं होती उस स्टैंडर्ड तक उसको मेंटेन रखने में या उससे ऊपर ले जाने के लिए? सभी पार्टियों में वो होता ही रहता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये एक काम होता है कि किसको ये दायित्व देना है, और एक शिस्तबद्ध पार्टी है, इसीलिए मुझे उसी समय ऐसा नहीं लगा था कि मैं काम कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, क्योंकि एक सभी लोग इकट्ठा होकर वो काम करते रहते हैं, अकेले सीएम को काम नहीं करना पड़ता है। जब नरेंद्र भाई सीएम थे तब भी एक योजना बनती थी, योजना की अमलवारी करवाना ये सभी मंत्रियों का दायित्व बनता था, और वो हम करते थे। तो आज वही परिपाटी पर मैं चल रही हूँ, एक काम करते हैं और मंत्रियों को उसको सौंपते हैं कि भाई ये पूरा करो, अब तो वो काम हो जाता है। जैसे मैं एक ही घटना बताऊं, शायद किसी के ध्यान में नहीं है, 2010 में नरेंद्र भाई ने एक मीटिंग रखी थी नर्मदा डैम के बारे में और कैनाल के बारे में, और 6-7 साल से जमीन संपादन का काम, लैंड एक्विजिशन का काम बहुत ही धीमी गति से चलता था, और किसान को विश्वास नहीं होता था कि पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम आज लैंड दे देंगे लेकिन नहीं पानी आएगा तो हमारी तो जमीन बर्बाद हो जाएगी। नरेंद्र भाई ने वो काम मुझे सौंपा गया, और पूरा 12 डिस्ट्रिक्ट में ये काम करने का था। तो 1.5 साल में गांव-गांव जाकर किसानों को इकट्ठा करके मैंने ये काम पूरा करवाया, और 1,00,000 किसानों के पास से 90,00,000 हेक्टर जमीन का संपादन किया, और इसके बाद कैनाल आज बनी है, और सिर्फ सब माइनर कैनाल का काम बाकी है, वो भी अब वाइब्रेंट के बाद शुरू करने जा रहे हैं। तो ऐसे काम ये मंत्रियों को ही करना पड़ता है, सीएम करने के लिए नहीं जाते हैं वहाँ। तो मुझे ये जो सिखाया गया है उसके आधार पर हम चल रहे हैं। नरेंद्र भाई ये बात सही है, हमारे गुजराती में एक कहावत है, कोई ना पेंगड़ा माँ पग मुको, ये बहु अघुरु से। नरेंद्र भाई की वो स्थिति बनी थी पूरे विश्व भर में। उसका मतलब भी बता दीजिए कहावत का। किसी के साथ कंपेयर मत करो, ठीक, किसी के साथ कंपेयर मत करो, हर एक की अपनी अपनी दृष्टि होती है, हर एक की अपनी अपनी काम की पद्धति होती है, उसका जो प्रायोरिटी भी अलग अलग होती है, इसके आधार पर सीएम या मंत्री से काम करते रहते हैं। तो मेरी प्रायोरिटी थी जो काम कम गति से गुजरात में चलता था वो था, और मैं भी महिला रही हूँ इसीलिए मुझे भी लगता था कि सबसे पहले वो काम पूरा करवा दूँ, और घर घर टॉयलेट बनाने का, तो वो काम मैंने शुरू किया है। और मैं आपको बताती हूँ आज कि 31 मार्च 2015 तक गुजरात के 159 नगरपालिकाएं हैं, नगर निगम जिसको बोलते हैं, उसका टॉयलेट का काम 100% हो जाएगा, और 15-20 तालुका ऐसा होगा जिसमें 100% टॉयलेट बन जाएगा, और अगले 2-3 साल में वो काम हम पूरा कर देंगे। पर आपने स्वच्छ भारत की बात छेड़ी दी है, तो मुझे याद आ रहा है आप नवंबर के महीने की बात है, आपने शायद कुछ कह दिया कि औरतें ज्यादा होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो आसपास कचरा फैलता है, गंदगी होती है, आपको ऐसा लगता है वाकई या आपकी जुबान फिसल गई थी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं देखो जो हम बोलते हैं ना, तो कंटिन्यूटी में देखना पड़ेगा उसको। मैंने ये बोला था उसी समय, और मैंने एक एग्जाम्पल दिया था,
मेथी आती है, मेथी जो हम थेपला बनाते हैं, तो ये मेथी बाजार में से हम लाते हैं और इसमें से पत्ते पत्ते निकाल देते हैं और बाद में जो कूड़ा कचरा है वो हम बाहर फेंक देते हैं। वो मैंने एग्जाम्पल के तरीके से मैंने सब महिलाओं को बताया था कि हम कहाँ फेंकते हैं, तो हम बाहर फेंक देते हैं, तो क्यों हम उसको इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। वो मैंने एग्जाम्पल दिया था सबको और वे बात सही है कि हम, मैं भी वही करती थी भाई, मैं भी वही करती थी, क्योंकि घर में रखते थे तो उठाने वाला तो कोई आता ही नहीं था बाहर से। आज हम वो कर रहे हैं कि भाई बाहर से कोई आएगा, आप रखो घर में और बाद में जो बाहर से लेने के लिए आए उसको वो आप दे दो, बाहर रोड पर मत फेंको, ये मेरा कहना था। आप बड़ी विकट परिस्थितियों से निकल कर आई, आप जिस कॉलेज में पढ़ती थी, आप अकेली गर्ल स्टूडेंट थी उसमें, लड़की थी, अब आप जिस पॉलिटिक्स में सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंच गई हैं, वहां भी आसपास देखता हूं आप लगभग अकेली ही दिखती हैं, बहुत ज्यादा आपके साथ टीम में भी महिलाएं नहीं है। क्या गुजरात में राजनीति में अब महिलाएं ये एक्सपेक्ट करें कि आनंदीबेन के हाथ में कमान आई है तो आने वाले समय में महिलाएं और ज्यादा स्ट्रांग होंगी हर क्षेत्र में? मैं मानती हूं कि गुजरात की जो महिलाएं हैं 50% महिलाएं हैं वो मेरी साथ हैं और साथ खड़ी है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में कई महिलाएं काम कर रही हैं। जैसे कि प्राइमरी क्षेत्र में 60% महिलाएं टीचर्स के रूप में काम कर रही हैं और मैं सालों से वो काम करती थी, आज भी अनेक महिलाएं हैं जो अपने तरीके से काम अच्छी तरह से कर रही हैं। अकेले रहना और काम करना, ये मेरी दृष्टि से इसीलिए कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आपकी दृष्टि तय है और आपका आपका जो विचार है वो सही है और सबके लिए अच्छा करने का आपका मन बना है, तो सब लोग, पुरुष हो या महिला हो, सब लोग सहयोग करते हैं। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, या कृषि जगत हो, या कोई सामान्य सामान्य मानवी जो काम करता है, वो भी आज गुजरात सरकार के साथ में है। इसीलिए मैं अकेली हूँ या कोई मेरी साथ नहीं है ऐसा मैं मानती नहीं हूँ, सब लोग मेरे साथ हैं और अच्छा काम करते हो तो सहयोग अच्छी तरह से प्राप्त हो जाता है। क्या आपको लगता है ब्रांड गुजरात कमजोर हो गया पिछले 7 महीने में? टीवी पर अब गुजरात नंबर वन है, इसको लेकर बात नहीं होती। सोशल मीडिया में गुजरात नंबर वन है, इसको लेकर कोई चर्चा नहीं करता। आनंदीबेन टीवी पर दिखाई नहीं देती कभी भी। आप अगर काम कर रही हैं जितना आप बता रही हैं, तो फिर उसको बताने में क्या आपको परहेज रहता है या आपको डर लगता है कि हम बताएंगे तो लोग फिर उस पर काउंटर क्वेश्चन करेंगे, विपक्ष को मौका मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं काम करने में मानती हूँ, कर्म करो, इसमें दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबको पता है कि वो काम हो गया, ये राज्य सरकार ने ये काम किया, किसी को उसकी नोंद लो या नहीं लो उसे मैं, मुझे कोई फायदा नहीं है इसमें और कोई नुकसान भी नहीं है। बाहर से लोग आते हैं, देखते हैं और देखकर चले जाते हैं और अपने राज्य में जाकर उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मेरा सवाल इससे अगला जुड़ा यही था कि बाकी सब राज्य भी गुजरात को देखकर कहने लगे कि हम नंबर वन है, हम नंबर वन है, हम नंबर वन है, गुजरात ने कहना बंद कर दिया कि गुजरात नंबर वन है? नहीं, ऐसा नहीं है, गुजरात वन पर है ही, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि एक अकेला गुजरात नंबर वन रहे, सभी स्टेट नंबर वन पर आ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे स्टेट्स में वापी की सरकार आ गई है तो आपको लगता है कि चलिए थोड़े दिन इनको ये स्टेटस एंजॉय करने दें, थोड़े दिन इनको करने दें, सब एंजॉय करें, सब एंजॉय करें, सब काम करें, अच्छा काम करें और जो दायित्व दिया है पब्लिक ने, जनता ने जो भरोसा रखा है, जो विश्वास रखा है कि हमारा काम होगा, वो करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, कोई भी राष्ट्र हो सबको करना पड़ेगा। आप वाइब्रेंट गुजरात को होस्ट करेंगी, उस वक्त भी आप इस सरकार को लीड करेंगी, उस वक्त भी हर चीज में लोग आपकी तुलना नरेंद्र मोदी से करते हैं, करते होंगे और करते रहेंगे, आपको उससे खुशी होती है, उससे डर लगता है, चिंता होती है, कैसा महसूस होता है? मुझे लगता है कि ये प्रश्न ठीक नहीं है। कंपैरिजन क्यों होगी? वो आपने कहावत बताई मुझे याद। कंपैरिजन इसी तरीके से नहीं होगी, इसी तरीके से नहीं होगी।
जो लोग आते हैं वो कंपैरिजन करने के लिए नहीं आते हैं, वो देखने के लिए आते हैं, वो दूसरों को सिखाने के लिए आते हैं, वो टेक्नोलॉजी के लिए आते हैं, और टेक्नोलॉजी हमें चाहिए तो हम भी उसके साथ बैठेंगे और काम करेंगे। वो सब लोग दिखेंगे, वो नहीं देखेंगे कि नरेंद्र भाई ऐसा बोले, आनंदी बहन ऐसा बोले, आनंदी बहन ने वो किया, वो कोई नहीं देखने वाला है। लेकिन जो देखने वाले हैं वो ही देखेंगे कि जो एग्जीबिशन हो रहा है इसमें क्या क्या है, इसमें देखने लायक क्या है, वो देखेंगे। जो प्रवचन होंगे इसमें क्या अच्छा है और हम इसमें से क्या ले सकते हैं, वो लोग सोचेंगे, वो देखेंगे और ले जाएंगे अपने यहाँ। इस बार वाइब्रेंट गुजरात में मुझे बताया गया कि अमेरिका की तरफ से खास जोर है कुछ चीजों को लेकर। वो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट गुजरात अमेरिका तक पहुंच रहा है इसलिए है, या नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका होके आए, दुनिया ने देखा, अमेरिका ने खासतौर पर देखा कि ये नरेंद्र मोदी और ये गुजरात से आते हैं, इसलिए अमेरिका को लगा कि हमें भी गुजरात तक पहुंचना चाहिए। नरेंद्र भाई ने जो पिछले 6 महीने 7 महीने से जो काम किया है और पूरे विश्व भर का उसका जो प्रवास हुआ उसका विचार सबके सामने रखा, और जो उसके जो प्रवचन हुए इसकी वजह से सभी देशों को ऐसा लगा है कि नरेंद्र भाई जो बता रहे हैं वो करना पड़ेगा और करना चाहिए। सिर्फ एक उन्होंने किया कि योग पूरे विश्व में फैलना चाहिए, तो आप देखे सब लोगों ने और उसे मंजूर भी कर दिया जी। तो ऐसे जो विचार सबके सामने रखे इसीलिए, और पूरे विश्व में एक आभा बनी है, नरेंद्र भाई की तो बनी लेकिन भारत की भी गौरव बढ़ा और आभा बनी। नरेंद्र भाई गुजरात के थे तो स्वाभाविक है कि उसका लाभ गुजरात को मिलेगा ही, और ये वाइब्रंट है, वाइब्रंट 2003 से चलता है, तो इसके लिए सबको लगा कि गुजरात में जाना चाहिए। नरेंद्र भाई वो काम कर रहे हैं तो पूरे विश्व को इसका लाभ प्राप्त होना चाहिए, इसीलिए गुजरात की और सबके नजर आई और आ रही है आज। एक तरफ वाइब्रेंट गुजरात है जो गुजरात की एकदम चमकती दमकती छवि को पूरी दुनिया के सामने रखता है, नंबर वन अपने आप उसमें दिखने लगता है कि हाँ ये नंबर वन राज्य है गुजरात। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात को हमेशा से ये कहा जाता रहा कि ये बीजेपी के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, और ऐसे में जब पूरे देश में कन्वर्जेंस को लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर एक तरह से बहस चल रही है, गुजरात पूरी तरह चुपचाप रहा। ये प्लान्ड रणनीति के तहत था या कि नरेंद्र मोदी के जाने के बाद और आनंदी बेन के आने के बाद चीजें बदल गई हैं, जो आरोप लगते थे पहले अब नहीं लगेंगे? धर्म परिवर्तन के बारे में मैं इतना ही बताऊंगी कि वो ठीक नहीं है और सालों से वो चलता आया है वो। लेकिन धर्म में कौन धर्म को अपना ये मेरी बात है, लेकिन कोई मेरे पर प्रेशर करे और मुझे बाध्य करे कि वो धर्म छोड़कर आप वो धर्म अंगीकार कीजिए, वो ठीक नहीं है। एक दूसरी बात जो है वो ये है कि भाई पूरे देश भर में जो हमारा जो दायित्व है काम करने का और सबको आगे ले जाने का, उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी सबको जो काम हम करते हैं को पानी देते हैं, तो पानी गांव के सब लोग पीते हैं, इसमें कोई सिर्फ हिंदू पीता है या वो छूट जाता है ऐसा तो है नहीं। हम एक रोड बनाते हैं, हम एक हेल्थ का काम करते हैं, वो एक बड़ा हॉस्पिटल बना है, तो सबको उसका लाभ मिलता है, इसमें कहाँ हिंदू आया, सबको लाभ मिलता है। वो तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं एक स्कूल बनाते हैं तो ये स्कूल में सभी लोग आते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सभी लोग। एक हम रोजगार देते हैं तो सभी को रोजगार मिलता है, तो इसमें धर्म कहाँ आता है? हमारा काम है सबके लिए काम करना, इसमें कोई अलग अलग तरीका नहीं होना चाहिए कि इसके लिए अलग स्कूल, इसके लिए अलग स्कूल, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सब कुछ मिलना चाहिए, जो उसका लाभ उसको मिलना चाहिए वो उसके दरवाजे पर पहुंचाना चाहिए। पर आप घर वापसी जैसी बातों से सहमत हैं? मैंने सबसे पहले कह दिया जो प्रेशर करके नहीं लाना चाहिए, स्वयं उसको लगता है कि मुझे धर्म परिवर्तन करना है तो वो उसका अधिकार है करना है। आपने कहा कि सरकार जो चीजें करती है उसमें धर्म नहीं देखती, उसमें धर्म नहीं आता, बराबर है, लेकिन उस पर आप क्या कहेंगे कि जब पुलिस एक मॉक ड्रिल करती है और उसमें जिन लोगों को आतंकवादी दिखाती है उसमें टोपी लगा देती है, क्या उसको मानते हैं कि ये गलती थी? आपको लगता है एक जगह पर वे लोगों ने किया
बाद में उनको पता चला कि वो नहीं करना चाहिए, तो बंद कर दिया। इसमें कोई जानबूझकर उन्होंने किया होगा ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। लेकिन इससे एक मैसेज तो चला गया ना इतनी देर में? चला गया, लेकिन बाद में पता चला, करने वालों को भी पता चला कि वो ठीक नहीं किया, तो उनको अब पता चला है तो फिर से नहीं करेंगे। आपने डांटा किसी को इस पर? मैं जब करने वाला को ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया है तो उसको डांटने की क्या जरूरत है? लेकिन मैं, क्योंकि आप टीचर रही हैं और बहुत सारे नेता पार्टी के, बहुत सारे मंत्री, वो कहते हैं कि आनंदीबेन में सीएम बनने के बाद भी एक टीचर है, वो जब मौका पड़ता है तो डांट भी देती है, क्या वाकई ऐसा है? कोई गलत काम करेगा तो डांट खाएगी। हमारे पिताजी भी डांटते थे, हमारे टीचर भी डांटते थे, यदि आप कोई गलती करता है और उसको आप सही रास्ता नहीं बताओगे तो वो गलती करता ही रहेगा, गलती करता ही रहेगा, बाद में कैसा इंसान बनेगा? एक तरफ वाइब्रेंट गुजरात दिखाते हैं, और मैं तो माँ हूँ जी, तो यदि बच्चे कोई गलती करते हैं तो माँ तो डांटी। आपकी बेटी ने पिछले महीने बीजेपी ज्वाइन किया, और आपने, आपको भी आपकी माँ ने डांटा होगा। बिल्कुल। तो ये तो काम करते ही रहेंगे। आपकी बेटी ने पिछले महीने बीजेपी ज्वाइन की, आपने उनको तो नहीं डांटा? ऐसा नहीं है, वो सालों से अपना काम करती रहती है, सोशल काम करती रहती है, और हर साल नहीं लेकिन तीन साल के एक बार जो संगठन का पर्व होता है इसमें हर बार वो इसमें सभ्य बनती है, 5 रुपया देकर जो सभ्य बनना है वो बनती है। लेकिन इस साल मैं सीएम हूँ इसीलिए मीडिया ने ध्यान दिया, बाकी ध्यान नहीं देते थे, पहले ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं देते थे। लेकिन एक तरफ वाइब्रेंट गुजरात की छवि आनंदी जी, जिसमें पूरी दुनिया को ये दिखता है कि गुजरात कमाल कर रहा है, और गुजरात जो है इस देश में बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, सबको यहाँ आना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, पर दूसरी तरफ एक कुपोषण जैसा आरोप है जिसको कि गुजरात की सरकार नरेंद्र मोदी के समय में भी झेल रही थी और आपके समय में भी लगातार विपक्ष वो आरोप लगाता है, उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? पिछले 40-50 साल से आप देखोगे तो ये जो कुपोषण का मामला है सालों से चलता है, अकेली बीजेपी की सरकार आई और नरेंद्र भाई आए या आनंदीबेन आई इसलिए कुपोषण हो गया, ऐसा नहीं है। आज जो 40-45-45 साल की जो उम्र वाली महिला है या 30 साल की उम्र वाली महिला है जो कुपोषित है, वो कुपोषित महिला कैसे बच्चे को जन्म देगी? तो ये 30 साल की महिला आज बनी है, वो मेरे समय में तो उसका जन्म नहीं हुआ था। आज जो पिछले 10-12 साल से जो बच्चों का जन्म होता है, जो बच्चियां बड़ी हो रही है, ये सबके लिए हम काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। आंगनवाड़ी का ध्यान किसी ने नहीं दिया, 75 से आंगनवाड़ी का कार्यक्रम शुरू हुआ, मेरे हाथ में 2001 में आया, तो एक के बाद हम कुपोषण के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, बच्चों को दूध पिला रहे हैं, फल दे रहे हैं, गर्म भोजन दे रहे हैं, हर आंगनवाड़ी में गैस का कनेक्शन, रसोई करने के लिए गैस की सगड़ी, सब कुछ दे रहे हैं, पूरा मकान बना रहा है और 80% मकान बन गए हैं, और इसमें टॉयलेट, पीने का पानी, किचन आज सब कुछ इसमें हम लोगों ने दे दिया है, इसीलिए आज धीरे धीरे करके और सब लोग उसको एडॉप्ट कर रहे हैं, लोग भी इसमें सम्मिलित हो गए हैं। बच्चियों को स्कूल में आयरन फोलिक एसिड की गोलियां दे रहे हैं, 8वीं कक्षा की बच्चियों को जिसके हीमोग्लोबिन का प्रमाण कम है, ऐसा पूरा हम काम कर रहे हैं इसमें। और मैं आपको बताऊं कि आज 10% ज्यादा कुपोषण घट गया है गुजरात में, और पूरे देश भर में वो स्थिति है, अकेले गुजरात में ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, 43 तालुका ऐसा है जिसमें हम माँ को भी दूध पिला रहे हैं और बच्चों को भी दूध पिला रहे हैं, और प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उसको दूध दे रहे हैं हम लोग, तो कुपोषण मिटाने के लिए हमारा काफी प्रयास है। राजनीति में आपका गुरु कौन है? 6 करोड़ की प्रजा हमारी गुरु है, नरेंद्र भाई ने शुरू से ये मार्गदर्शन दिया है, और अकेले मैं नहीं हूँ लेकिन गुजरात सहित पूरे देश भर में लाखों कार्यकर्ता हैं जिसके वो गुरु बने हुए हैं। तो क्या वो 6 करोड़ जनता
को भी वाइब्रेंट गुजरात से कुछ फायदा होगा? होगा, होने वाला है। आपने मुंबई के व्यापारियों से कहा कि मुंबई छोड़ो, वापस गुजरात आओ, हम यहाँ पर आपको पूरी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं किया है, हम तो पूरे देश भर में और पूरे विश्व भर में जाते हैं, बताते हैं कि गुजरात में ऐसी ऐसी फैसिलिटी है, ऐसी नीतियां हैं, आपको आना है तो आइए। और वे लोग भी कर रहे हैं गुजरात में। आप यूपीए के वो सीएम है, उनके भी बोर्ड लगे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, आइए गुजरात में। लेकिन आप किसी शहर को अपने तोल सकती हैं जब मुंबई से तुलना करती हैं? आपको लगता है कि हमारे पास भी एक मुंबई है गुजरात में? हमारा सूरत देखिए, सूरत देखिए, लेकिन मुंबई जैसी स्थिति हमें पैदा नहीं करनी है, नहीं करनी है। एक छोर से आपको दूसरे छोर पर जाना है तो 4-5 घंटा निकल जाता है। इसीलिए तो हम सूरत और अहमदाबाद जैसे सिटी पर ज़्यादा आबादी बढ़े ऐसा करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए नरेंद्र भाई ने दो और सिटी बनाने का प्रयास किया, एक गिफ्ट सिटी और दूसरा धौलेरा। तो वो हमारा काम है कि लोग आने वाले हैं, इसमें आप मना नहीं कर सकते हो। कहीं से आएंगे, गुजरात में आएंगे, गुजरात के लोग भी अलग अलग राज्य में जाएंगे, लेकिन किसी को मना नहीं करना चाहिए। आएंगे, रहेंगे, इंडस्ट्रीज भी डालेंगे, तो सबके लिए काम करना है। इसीलिए अलग अलग सिटी बढ़े और अच्छा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, वो काम करना चाहिए। अब तक लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी का गुजरात, ऐसा समय भी आएगा जब लोग कहेंगे कि आनंदीबेन का गुजरात? नरेंद्र भाई मोदी का गुजरात है, वो ही रहे, ठीक रहेगा। चलिए, मेरा आखिरी बस एक आपसे सवाल है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, स्किल्ड इंडिया, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो नरेंद्र मोदी ने कॉइन किए, देश के लोगों के बीच में चर्चा के लिए रखे। वाइब्रेंट गुजरात से हम क्या उम्मीद करें कि इन चीजों पर गुजरात विशेष काम करेगा बाकियों के मुकाबले, क्योंकि वहां वाइब्रेंट पंजाब नहीं हो रहा, वाइब्रेंट हरियाणा नहीं हो रहा, वाइब्रेंट मध्य प्रदेश नहीं हो रहा, वाइब्रेंट उत्तर प्रदेश नहीं हो रहा। डिजिटल इंडिया का काम नरेंद्र भाई ने बोला कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए, हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले 1-2 साल में पूरे गुजरात को वाईफाई बना देंगे। आज एक हमारा खेड़ब्रह्मा, भिलोड़ा और मोड़ासा, ये 3 तालुका हमारा वाईफाई बन गया है। कई गांव ऐसे हैं, आज भी एक पेपर में देखिए, सौराष्ट्र का वेरावल के पास वाला गाँव है, पूरा गाँव वाईफाई है, कई गांव वाईफाई बन रहे हैं। अपने अपने तरीके से वो काम कर रहे हैं, सरपंच वगैरह लगा रहे हैं कि वो काम अच्छा है, इसमें से रोजगारी वगैरह मिलता है वहाँ, तो एक काम हम करने वाले हैं। दूसरा, उन्होंने क्लीन इंडिया की बात की, तो हम आप मैंने बताया आगे कि हम क्लीनिंग के लिए काम कर रहे हैं। तीसरा, स्किल डेवलपमेंट के लिए बताया नरेंद्र भाई ने, तो हमारी पूरी एक यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, जिसमें अलग अलग ट्रेड आएंगे और इसमें काम करेंगे। जो इंडस्ट्री जाने वाली है इसमें भी वो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए वे भी काम करने जा रही है, एमओयू साइन हो रहा है। दूसरा, साहब ने कहा क्लीन इंडिया, बोलिए ना, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, नहीं, तीसरा मेक इन इंडिया, तो वो इंडस्ट्री जा रही है, इधर इंडस्ट्री जाएगी, मेक इन इंडिया तो होगा इसमें। तो जो नरेंद्र भाई ने जो विषय रखे हैं सब गुजरात में हो रहे हैं। चलने से पहले नरेंद्र भाई ने आपको एक पेन दिया था, सब देश ने वो तस्वीर देखी, कुछ ऐसी खास चीज जो आपने उस पेन से लिखी हो और जो आने वाले समय में इतिहास बन? वो पेन का उपयोग मैं 6 करोड़ की प्रजा के हित के लिए साइन करती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंदीबेन हमसे बात करने के लिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं वाइब्रेंट गुजरात के लिए भी और जिन 6 करोड़ लोगों के लिए आप लगातार बात कर रही हैं, नरेंद्र मोदी भी लगातार बात करते रहे। हम उम्मीद करते हैं कि उन तमाम 6 करोड़ लोगों तक उन सारी बातों का, उन सारी योजनाओं का, आपके वादों का फायदा पहुंचेगा और बीच में जैसा आपने खुद कहा धर्म देखकर नहीं जाते सरकार के फायदे, वो चीज़ भी नहीं आएगी और उन सवालों से आप आज़ाद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद।